अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उबैद विलाग। काफ़ी दिनों बाद आज मैं विलाग बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि बारिश हुई है और आज मैं अपने गांव आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी है इस वक्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपने इलाके को एक्सप्लोर करूँगा और यहाँ का सारा इलाका आपको दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो रोड है उसके ऊपर दरिया जैसा पानी दे रहा है और बारिश भी बहुत ही ज़ोर के साथ लगी है, ज़ोरों शोरों के साथ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलें जी आगे चलते हैं और आपको मैं अपना पूरा इलाका दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो बारिश हुई है ज़मीनों के क्या हालात चल रहे हैं और जो बारिश हुई है वो कितनी हुई है। जी चलते हैं आगे की तरफ और बारिश बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ लगी हुई है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पानी। आप देख सकते हैं जो पानी जो है बहुत ही ज़ोरों शोर के साथ और जो है यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो इस साइड भी जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है और यहाँ पर साइड चलते हैं जी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ज़मीनों के हालात हैं वो आपके सामने हैं और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ज़मीनें सैराब हो चुकी हैं फुली है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो बारिश लगी और वो नीचे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ज़मीनें जो है बिल्कुल सैराब हो चुकी हैं फुली। ठीक है, यहाँ पर मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आप ज़मीनों को देखें, मैं यहाँ पे बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ज़मीनें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, यानी कि पानी के साथ बिल्कुल सैराब हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की क्या हालात चल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी भी बारिश लगी हुई है, सावन का महीना है तो ये नहीं पता कि कितने देर ये बारिश चलेगी, लेकिन मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है आपके सामने है। ठीक है जी, तो अब बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और अब जो है मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी रोड बिल्कुल भरी हुई है और बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। जी तो यहाँ पे मैं अपने घर से थोड़ा सा नीचे आया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जी, मैं बैक कैमरे के साथ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। यहाँ पर एक नाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे के साथ दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मकई की फसल जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है और बिल्कुल यानी कि हवा के साथ जो है वो नीचे ज़मीन के साथ टच हो गई है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बैक कैमरे के साथ ये सारा कुछ नज़ारा दिखाता हूँ कि ये कैसे नज़र आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें जी बारिश हुई है और पानी देखें जी बहुत ही ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस साइड दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखें जी अगर इसमें कोई गिर गया तो फिर मुश्किल है कि कोई बाहर आ सके, तो बहुत ही ज़्यादा जो है सैलाब आया हुआ है और मकई की फसल अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है गिर चुकी है। ठीक है, इसमें अब जो है बिल्कुल किसी काम की जो है ये नहीं रही, अब इसको काट कर अगर भैंसों के आगे डालें तो ठीक है, नहीं तो ये अब इसमें फसल नहीं होने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बारिश जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ हुई है और पानी का अगर आप भाव देखें तो पानी जो है बहुत ही तेज़ी के साथ बह रहा है। तो यहाँ पे इस साइड देखें तो ये फार्म है ऊपर और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे पानी जो है बहुत ही ज़ोर शोर के साथ बहता हुआ नज़र आता है आपको और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर इस तरह का नज़ारा है। ये करते हो गए जी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी एक अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।